नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। प्रो कबड्डी सीजन 8 के तीसरे हफ्ते के ट्रिपल हेडर मुकाबले आज खेले जाएंगे और ट्रिपल हेडर का एंड होगा पटना पायरेट्स और गुजरात जायंट्स के मुकाबले से। ये मुकाबला फुल एंटरटेनमेंट से भरा रहेगा क्योंकि ये मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच खेला जाएगा जिनका प्रो कबड्डी का इतिहास भी काफ़ी शानदार रहा है। आज गुजरात के सामने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स अपनी चुनौती रखेगी, जो पहले से ही इस सीजन में चैंपियन टीम की तरह खेल रही है। पटना पायरेट्स ने सीजन 8 में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और इन 6 मुकाबलों में से पटना पायरेट्स की टीम को 4 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं टीम 1 मुकाबले में हार कर आ रही है और 1 मुकाबला पटना पायरेट्स का अब तक इस सीजन में टाई रहा है। ऐसे में टीम इस मुकाबले को जीत कर पॉइंट टेबल में टॉप पर जाना चाहेगी। वहीं गुजरात इस सीजन में अभी तक जीत की तलाश में लगी हुई है क्योंकि गुजरात ने सीजन में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और गुजरात की टीम को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। वहीं गुजरात को 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और गुजरात जायंट्स के 2 मुकाबले अब तक टाई हुए हैं। वहीं प्रो कबड्डी इतिहास की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक प्रो कबड्डी में 7 बार आमना सामना हुआ है और इन 7 मुकाबलों में से गुजरात की टीम कहीं ना कहीं पटना के ऊपर भारी पड़ी है क्योंकि 7 मुकाबलों में से गुजरात की टीम ने 5 बार पटना पायरेट्स की टीम को हराया है। वहीं पटना पायरेट्स की टीम सिर्फ 2 मुकाबलों में ही गुजरात की टीम को हराने में कामयाब रही है। ऐसे में एक टीम के साथ इतिहास है और दूसरी टीम के साथ इस सीजन का प्रदर्शन, जो लगातार बेहतरीन करती आ रही है, यानी पटना पायरेट्स के साथ फॉर्म है और गुजरात जायंट्स के साथ इतिहास है। लेकिन इस मुकाबले में जीत उसी की होगी जो 40 मिनट कोर्ट पर बेहतरीन खेलेगा और सामने वाली टीम पर भारी पड़ने में कामयाब रहेगा। ऐसे में ये मुकाबला बड़ा ही टक्कर का रहने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।